तो गाइज मैंने फाइनल करी है ये वाली, सेम पीयूष की तरह। चलो अब टाइम आ चुका है रेस करने का, पीयूष वाली और मेरी वाली सेम साइकिल है, बट ये न्यू है ये पुरानी है, तो देखते हैं कौन जीतेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ अपने लिए न्यू साइकिल लेने के लिए। घर में सबके पास साइकिल है, बस मेरे पास नहीं है। पीयूष के पास है, कुणाल के पास है, साहिल के पास है। तो मेरा प्लान है कि मैं भी डेली अर्ली मॉर्निंग साइकिलिंग करूँ, से हेल्थ भी सही रहती है, साइकिलिंग करना अच्छा भी होता है। तो चलते हैं शोरूम पे, देखते हैं कौन सी पसंद आती है, लेके आते हैं और फिर उससे एडवेंचर भी करेंगे, जंगल वंगल जाएंगे, पहाड़ पे चलाएंगे। और अभी घर में मेरे अलावा देखो कोई भी नहीं है, सभी कहीं कहीं गए हुए हैं, कोई मार्केट गए हैं, पीयूष कुणाली स्कूल गए हैं, कोई नए घर में है, तो किसी को नहीं पता कि मैं नई साइकिल लेने जा रहा हूँ। तो सबको सरप्राइज मिलेगा, सबका रिएक्शन देखेंगे। मम्मी गुस्सा होगी देखना कि क्यों लेके आया, तो चलाने तेरे को है नहीं, बट मैं चलाऊंगा। तो फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं, इसमें आ जाएगी साइकिल। तो अभी घर से निकल गया हूँ, चलते हैं सीधा मार्केट शोरूम में और देखते हैं कौन सी साइकिल पसंद आती है। चलो भाई पहुँच गए हैं, चलते हैं ऊपर शोरूम में और देख के आते हैं साइकिल। तो अभी आ चुका हूँ शोरूम में और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक साइकिल लूँ या नॉर्मल साइकिल लूँ। वैसे ईजी होती है इलेक्ट्रिक, पीयूष के पास भी इलेक्ट्रिक है और सेम पीयूष की जैसी भी है यहाँ पे, तो मैं वही सोच रहा हूँ। और उसमें रेस होती है तो ईजिली चला भी पाएंगे, पहाड़ वगैरह में ऑफ रोडिंग करनी, कुछ भी करनी है, बाकी नॉर्मल पैडल से चलेगी। भाई ये तो बहुत ही हल्की है, कितना वेट है इसका? 10 के अंदर ही होगा। 10 किलो की साइकिल? हाँ, उसके अंदर ही होगा। कितने की है ये? 161.5 पे बनना है। तो ये है 160,000 की। जाओ, ये कैसे ब्रेक का है इसमें? इसके तो ब्रेक ही उल्टे हैं गाइस, ये देखो। गाइस मैंने पहली बार देखी इतनी हल्की साइकिल, बट मम्मी गुस्सा करेगी इतनी महंगी लूंगा तो। ये देखो इतनी हल्की है, एक उंगली से उठा दे रहा हूँ मैं, एक उंगली से। इसके ब्रेक यहाँ पे हैं ऐसे। गाइस इसको ना कहीं भी ले सकते हैं, कहीं पे ट्रैक करने जा रहे हो तो भाई इसको तो इजीली उठा के ले जा सकते हैं कहीं भी। ऐसे देखो, ऐसे उठाओ और ले जाओ कहीं भी, कहीं पहाड़ चढ़ना हो, कुछ भी हो, बहुत इजीली जा सकती है इससे। इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं? ऑफ रोडिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, थोड़ा फुल नहीं होगा, 70% कर सकते। पहाड़ पे चढ़ा सकते हैं आराम से, ग्रेवल है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास में, या तो मैं इलेक्ट्रिक लूँ या नॉर्मल। नॉर्मल वाली महंगी है, मतलब 1 लाख का, 1 लाख का डिफरेंस है ना, 1 लाख से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। अच्छी कंपनी है ट्रैक, बट इसको चलाना इजी है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो रेस दो चल जाएगी सीधा सीधा। तो गाइस मैंने फाइनल करी है ये वाली, सेम पीयूष की तरह है, बट इसमें फीचर बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा। फाइनली अब लेके जा रहे हैं साइकिल को, और हाँ इस वाले का ये फायदा है कि इसको फोल्ड करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उस वाले को कहीं पर ले जा नहीं पाते हम इस तरह से गाड़ी में डाल के। चलो भाई गाड़ी में सही फिट हो गई है, अब चलते हैं घर। क्या बन रहा है मासूम सा? नाना नहीं है? कितना गंदा हो रहा है देख तो है। नहीं नाना है? इतना मासूम बन रहा है देखो। नहीं नाना है? चल नीचे उतर, नीचे उतर जल्दी आ। हाँ उतरो उतरो उतरो, आ जाओ। चलो आ जा आ जा आ जा आ जा। आपके देख कितना सीधा बन रहा है, आ जा। कितना ही सीधा हो गया। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। भीगी बिल्ली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहुत ही गंदा हो रहा है यार। जाओ बाहर, जाओ धूप में, जाओ जाओ बाहर, चल धूप में, चल यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, धूप में चल, बाहर चल धूप में। अब देखना पागल हो जाएगा, अब पागल हो जाएगा ये नहाने के बाद, अब पोंछ रहा है खुद को देखो। तो अभी घर पे आ गया हूँ और साइकिल अंदर ले आया हूँ, देखो क्या मस्त लग रही है भाई। गाइस ये जो साइकिल है ना, ये लिया मैंने सिर्फ अपने लिए, अपनी एक पर्सनल साइकिल, जो कि मैंने पता नहीं कितने टाइम के बाद ली होगी, अब मैं इसको चलाऊंगा रेगुलरली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सारे फीचर्स। ये देखो ये मेरे हाथ में है इसकी की, इसकी दो की है, तो यहाँ पे लगती है देखो, इसको ऐसे ऑन करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ बटन है देखो, बटन प्रेस करना पड़ता है तब ये ऑन होता है। इसमें ये दिखाते हैं कितने किलोमीटर चली है, अब ये सिर्फ 6 किलोमीटर चली गई, सिर्फ 6 किलोमीटर और फुल चार्ज है। देखो यहाँ चार्जिंग भी दिखाता है, स्पीड भी दिखाता है, और इसके ना ये हैंडल की लुक बहुत प्यारी लगती है मुझे ये, क्योंकि यहाँ पे प्यारी सी स्क्रीन है, और इसके ब्रेक बहुत नेक्स्ट लेवल है गाइस, बहुत ही ज्यादा। कितने भी स्पीड में हो एकदम जाम हो जाते ब्रेक लगाते ही। यहाँ पे देखो दो लाइट भी है भाई, इसमें फीचर अपने आप चलने का, सच में अपने आप चलेगी, देखो अपने आप, ये देखो भाई अपने आप चल रही है, तो मतलब एक स्पीड पे अपने आप चलेगी ये। और गाइस सबसे ज्यादा मेन चीज, इसके टायर देखो कितने मोटे टायर हैं, और एकदम ऑफ रोडिंग वाले टायर हैं, तो पहाड़ में चलाने में ऑफ रोडिंग करने में ना इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जो छोटे टायर होते हैं ना उसमें दिक्कत आती है, बट इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी, ऊपर से इलेक्ट्रिक भी है, पावर भी है, तो बहुत ईजिली चलता है, इसलिए मैंने ये वाली चूज की टायर की वजह से, बिकॉज टायर देखो एकदम रफ टायर है इसके। भाई इसको देख कितना अच्छा लग रहा है ना, कि फाइनली अब मेरे पास खुद की पर्सनल साइकिल होगी, कहीं भी आसपास जाना हो ना तो गाड़ी लेनी पड़ेगी, अब मैं साइकिल लेके जाऊँ, नए घर पे जाना हो, कहीं भी सोसाइटी में थोड़ा बहुत घूमना हो, सुबह सुबह साइकिलिंग करनी हो, तो हाँ अब साइकिल यूज करूंगा। और देखो इसकी लुक ना एकदम यूनिक सी है, नॉर्मल साइकिल की तरह नहीं है ये, देखो एकदम मतलब वीडियो में छोटी लग रही होगी बट ये छोटी नहीं है, काफी बड़ी है, टायर भी बहुत मोटे हैं,
और एकदम यूनिक सी है। और गाइज मम्मी ने साइकिल देख लिया है और मम्मी मुझसे बातें नहीं कर रही है, मम्मी इसके बारे में बातें नहीं कर रही है। मम्मी कह रही मैं कुछ नहीं बोलूंगी भाई, ना मैं डांटूंगी ना कुछ बोलूंगी। तो अब लंच करते हैं, हरी सब्जी और रोटी। पीयूष कुनाली आ चुके हैं। कौन सा सरप्राइज है? अच्छा। ओ हाय साहब। साइकिल लड़ेंगी नहीं? तो क्या? किसके लिए लाया अपने लिए? क्यों भाई, मैं अपने लिए पर्सनल लाया हूँ भाई। इसको ये नहीं चला सकता तू? तो अपनी चलाइयो, ये नहीं चलाएगा। नहीं भाई ये मेरी पर्सनल है, मैं टेस्टिंग करूंगा इसकी। नहीं नहीं टेस्टिंग मैं खुद कर लूंगा, टेस्टिंग मैं खुद कर। नहीं पता इसमें एक फीचर है, इसमें एक फीचर है, ये खुद चलती है। तेरे वाले में वो फीचर? क्रूज कंट्रोल। हाँ इसमें नहीं है, मेरे तेरे वाले में नहीं है ना। देख मैं बताता हूँ, पकड़ के रख एक बार देख। दोनों चलने वाले बोर्ड पे है। अब आज रेस करेंगे मेरी वाली और इसकी। हाँ कौन जीतेगी? चलाने आने चाहिए, दोनों तो सेम ही है, बस ऐसे नहीं है तो ये भाग सकती ज्यादा, मेरे को लग भी रहा है। इसकी टॉप स्पीड देखते हैं। ओ भाई भाई कितनी तेज चल रहा है, जमीन पे चलने में थोड़ी स्लो जाएगी। 42 है ना, ये जाएगी 38 तक। ओ हॉर्न। ये आ गई पीयूष की, सेम कंपनी है बट कलर अलग है और फीचर अलग है। इसमें चाबी यहाँ पे, इसमें चाबी यहाँ पे है। अब एक काम करेंगे, दोनों भाई लेके चलेंगे पहाड़ पे इसको। भाई ये फास्ट है यार। 42 सेम है। चलो अब टाइम आ चुका है रेस करने का। पीयूष वाली और मेरी वाली सेम साइकिल है बट ये न्यू है, ये पुरानी है, तो देखते हैं कौन जीतेगा। वैसे चलाने इसको अच्छी आती है, मेरे को कम चलानी आती है क्योंकि मैं चलाता ही नहीं हूँ ना। करे स्टार्ट। करो 3 2 1 गो। मैंने अब पहला राउंड तो मैं ही जीता हूँ। चलो सेकंड राउंड 3 2 1 गो। अबे यार ये देखो अभी भी एक्सीलरेशन नहीं, अभी यार। दूसरा राउंड में मैं ही जीता हूँ। चेंज करनी है और क्या, खराब साइकिल चला रहा है मेरे को है। अब हम करें साइकिल चेंज। 3 2 1 गो। थर्ड राउंड जीता है पीयूष, तो यही साइकिल जीत रही है क्योंकि नई साइकिल है ना और ये थोड़ी खराब भी हो रखी है। क्या हुआ? खुल नहीं रहा, इसका पासवर्ड था ना 3 1 4 1 5, ये देखो नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं क्या हो गया, हो गया पता नहीं क्या हो गया यार। सॉरी था, खोल लो ना। सॉरी था, इसमें मेरे पैसे फंस गए सारे के सारे, 5000 रुपए और इसमें मोती भी है, मेरे मोती। तो खुल क्यों नहीं रहा? जा मैं ट्राई करता हूं। 3 1 4 1 5 ओके। हैं क्या खुल जाएगा? चाबी लाओ। चाबी कहां है? चाबी लेके आओ। कहां है इसकी चाबी? अबे चाबी भी लगती है इसमें। पीयूष पक्का पिछले दिनों में चोर होगा, देखो सारे लोग खोल देता है ये, देखो तिजोरियां खोल रहा था लोगों। और ये खुल गया, कनाली के पैसे ही पैसे। तो अब करते हैं डिनर, न्यूट्रेला की सब्जी, रायता एंड साथ में रोटी। तो खाना पीना हो चुका है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।